हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ ह्यूज रीसेलिंग का हॉल वीडियो। तो काफ़ी सारे स्टफ जो है इसके अंदर में आपको कुछ पुराने हैं, कुछ न्यू मैंने ऐड करे हैं, तो आपको आज के हॉल में काफ़ी सारा स्टफ मिलेगा। तो आज के हॉल में मैं दिखाने वाली हूँ कुर्तीस, कुछ कुर्ता सेट प्लस हैंडबैग्स एंड दुपट्टास। तो ये सारी चीज़ें आज के रीसेलिंग हॉल में मिलेगी। एंड आने वाले टाइम पर मैं और भी रीसेलिंग के हॉल लाने वाली हूँ, जैसे कि साड़ीज वगैरह का। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लस दोस्तों, अगर आपको जानना है कि किस तरह से आप बाय कर सकते हो इन सारे चीज़ों को, तो मैं बता दूं आपको करना क्या। जो भी आउटफिट आपको पसंद आ रहा है, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है एंड शेयर करना है मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे। अगर आप इंस्टाग्राम पे अवेलेबल नहीं हो, तो आप जो है इंस्टाग्राम पे नहीं हो, तो आप जो है जो भी आउटफिट आपको पसंद आ रहा है उसका पिक्चर लेके आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे। बट व्हाट्सएप पे आप तभी शेयर करिए जब आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो, क्योंकि वहां पे दोनों जगह पे एक ही पर्सन का देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको मेंशन मिल जाएगा, तो इसी नंबर पे आपको करना है। एंड स्ट्रिक्टली कोई भी वीडियो कॉल एंड फोन कॉल अलाउड नहीं है। प्लीज फोन कॉल्स वगैरह मत करिए, ओनली जस्ट आप डीएम करिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। सेकेंडली, कोई भी तरीके के रिटर्न एंड रिफंड की पॉलिसी नहीं है, सीओडी सर्विस नहीं है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो आपको कोई भी तरीके का रिटर्न पॉलिसी या फिर रिफंड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। स्ट्रिक्टली नो है रिफंड एंड रिटर्न के लिए एंड सीओडी सर्विस के लिए। तो प्लीज जो भी आप परचेज करो, सोच समझ के परचेज करो, एंड रिटर्न एंड रिफंड का नहीं होगा। सेकेंडली, अब जो है जो भी आउटफिट मैं दिखाने वाली हूँ वो साड़ी के साइजेस मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सेपरेशन के साथ डाल दूंगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता प्राइस वगैरह में, तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हो कि आपको इसका प्राइस समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूंगी। तो स्टार्ट करेंगे एल साइज से। तो एल साइज है, एक्सएल साइज है, देन डबल एक्सएल है, देन ट्रिपल एक्सएल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कुर्ती मैं दिखाने वाली हूँ, ये ब्लू कलर की कॉटन की कुर्ती है। तो यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर की कॉटन की कुर्ती मिल जाएगी। बहुत ही प्यारी सी कुर्ती है और फ्लोरल प्रिंट में आती है। तो ये वाली कुर्ती का साइज रहेगा एल। आप इसको धो पहनो वाला, इसका फैब्रिक है डेली यूज के हिसाब से ये कुर्ती है। नेक्स्ट जो कुर्ती मैं दिखाने वाली हूँ ये है ग्रे कलर की कुर्ती, और ये भी धो पहनो वाला टाइप का फैब्रिक है, ग्रे कलर में आएगी ये कुर्ती। तो ये रहेगी एल साइज में। तो अगर आपकी साइज एल है तो आप इसको ग्रैब कर सकते हो। इसके अंदर में आपको मिल जाएगा कॉटन का अच्छा क्वालिटी का लाइनिंग, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं होगी। एंड यहाँ पे ये फटा हुआ नहीं है, कपड़ा लगा हुआ है। हो सकता है किसी को लगे कि शायद फटा हुआ है, बट ये कपड़ा लगा हुआ था। तो ये आपको लाइनिंग भी मिल जाएगा। तो ये आपको मिलेगी 40 साइज में। नेक्स्ट जो कुर्ती मैं दिखाने वाली हूँ ये भी आपको मिलेगी बांधने की, 40 साइज में आपको मिल जाएगी ये वाली कुर्ती। और ये सारी कुर्तीज जो है 350 के आसपास की रेंज की है। और ये वाली जो कुर्ती है ये भी आपको मिलेगी एल साइज में, एंड इसके भी जो प्राइस है वो 350 रहेगी। बहुत ही प्यारी कुर्ती है, पहनने पर काफी अच्छा लुक आता है। अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में कोई अच्छी सी कुर्ती लेनी हो तो आप इसको ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ये कॉटन का लाइनिंग मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का। आप देख सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि काफी खराब लाइनिंग है, क्वालिटी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो ये लाइनिंग आपको इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट जो कुर्ती है ये कॉटन की कुर्ती है, अनारकली पैटर्न में आएगी ये कुर्ती, डेली यूज के हिसाब से है। एंड ये भी 300 और 350 के रेंज में आपको मिलेगी। तो ये वाली फ्लोरल प्रिंट में अनारकली कुर्ती आएगी कॉटन की। नेक्स्ट जो कुर्ती है ये भी एक अनारकली कुर्ती आएगी कॉटन के फैब्रिक में, बट ये जो है फ्लोर लेंथ कुर्ती आएगी, बहुत ही प्यारी सी प्रिंट में रहेगी। नेक पे आप देख सकते हो बटन्स की डिटेलिंग है, एंड पूरी ये अनारकली पैटर्न में रहेगी। थोड़ी लॉन्ग कुर्ती है, तो अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है तो ही आप इसको परचेज करें। साइज इसमें भी एल साइज है। नेक्स्ट जो कुर्ती मैं दिखाने वाली हूँ ये भी एक लॉन्ग कुर्ती है, अंगरखा पैटर्न में। तो यहाँ पे आपको गोटा का बॉर्डर मिलता है, साइड में डोरी की कुछ इस टाइप की डिटेलिंग मिलेगी, और ये पूरा पिच कलर में अंगरखा पैटर्न का कुर्ता आएगा, जिसमें आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का गोटा का काम आपको मिल जाएगा। एंड लटकन जो है ये कुछ इस टाइप के हैं, आप देख सकते हो काफी सुंदर से प्यारे से छोटे से लटकन है, ज्यादा बड़े नहीं है। तो ये आपको पूरी कुर्ती मिल जाएगी, रेयन के मटेरियल की है। साइज जो है इसमें एल साइज है, ओनली एल साइज ही अवेलेबल है। तो अगर आपके साइज एल है तो आप इसको पिक कर सकते हो। नेक्स्ट जो कुर्ती है वो है ये वाली। तो इसमें आपको नेक पे मिल जाएगा एम्ब्रॉयडरी वर्क, और मिरर वर्क भी हल्का फुल्का करा हुआ मिल जाएगा। फ्रंट एंड बैक साइड सेम पैटर्न रहेगा, और अंदर लाइनिंग वगैरह दिया गया है, तो ट्रांसपेरेंट का कोई इशू नहीं होगा। 3/4 यहाँ पे आपको स्लीव्स मिल जाएगी। अगेन ये भी एल साइज की है। नेक्स्ट जो कुर्ती है एल साइज में वो है ये वाली कुर्ती, मरून कलर की कुर्ती है ये। तो इसमें भी आपको बहुत ही प्यारा सा नेक पे गोटा का वर्क मिलता है, एंड पूरी कुर्ती पे आपको ये बूटे बने हुए मिल जाएंगे।
अंदर में आपको कॉटन का लाइनिंग मिल जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगी एल साइज के अंदर में। तो अगर आपकी साइज एल है तो आप ग्रैब कर सकते हो उस वाली कुर्ती को। लास्ट जो हमारी एल साइज में कुर्तीज है वो है ये वरांगा ब्रांड से। तो ये वाली एक सिल्क की कुर्ती है जो कि एल साइज में आपको मिलेगी और बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप यहाँ पे टैग भी देख सकते हो उसका। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही सुंदर सा आपको नेक पे यहाँ पे वर्क करा हुआ है। क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। 3/4 यहाँ पे आपको स्लीव्स मिल जाएगा, गोटा का यहाँ पे वर्क है। तो ये स्ट्रेट कुर्ती आएगी सिल्क के फैब्रिक की वरांगा ब्रांड से। तो ये हमारे एल साइज की लास्ट कुर्ती थी। अब मैं आपको जो कुर्तीज दिखाऊंगी वो सारी एक्सएल साइज में होगी। सबसे पहली जो कुर्ती है वो है ये व्हाइट कलर की चिकनकारी कुर्ती जॉर्जेट के फैब्रिक में। तो ये वाली कुर्ती बहुत ज्यादा प्यारी है। स्ट्रेट कुर्ती आएगी 3/4 यहाँ पे आपको स्लीव्स मिलेगा। साइज जो इसमें रहेगा वो एक्सएल साइज रहेगा। तो अगर आपकी साइज एक्सएल है तो गो फॉर दिस। नेक्स्ट जो कुर्ती आएगी ये काफ्तान कुर्ती आएगी। काफ्तान कुर्ती कम आप ट्यूनिक कह सकते हो इसे, शॉर्ट कुर्ती जैसी रहेगी है। तो ये कुछ इस टाइप की कुर्ती आएगी काफ्तान पैटर्न में। आपको यहाँ पे जो है डोरी की ये डिटेलिंग मिलती है जिससे आप खींच के नॉट वगैरह बना सकते हो अपने हिसाब से। तो ये काफ्तान शॉर्ट कुर्ती आएगी, रेयॉन के फैब्रिक की है और फ्रंट एंड बैक साइड सेम पैटर्न रहेगा। साइज जो अवेलेबल है इसमें वो एक्सएल साइज है। नेक्स्ट जो कुर्ती है एक्सएल साइज में वो है ये ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडरी कुर्ती। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगी, बटन्स की डिटेलिंग मिल जाती है। स्ट्रेट कुर्ती आएगी कुछ इस टाइप की है और 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स आएंगे। बैक साइड बिल्कुल प्लेन रहेगा और ये एक्सएल साइज का रहेगा कुर्ता। और इसमें एक चीज मैं बता दूं, ये जो आप देख रहे हो ना ये बनाया हुआ, ये थोड़ा सा इस टाइप का टेढ़ा बनाया हुआ है, स्ट्रेट नहीं है। आपको मैं ऐसे दिखा दूं तो आप देख सकते हो, ये कुछ इसी तरीके का आया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, साफ आपको दिख रहा होगा। तो क्योंकि आपको लेने से पहले मैं आपको पूरा क्लियरिटी दे देना चाहती हूँ ताकि बाद में आपको ऐसा नहीं लगे कि आपके साथ गलत हो गया है या आपने कुछ गलत ले लिया है। नेक्स्ट जो मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो है ये पिच कलर की कुर्ती जो कि है खादी कॉटन में। सो यहाँ पे इसका जो फैब्रिक रहेगा वो खादी कॉटन का रहेगा। यहाँ पे आपको नेक पे एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा, हल्का मिरर वर्क मिल जाएगा। 3/4 यहाँ पे आपको स्लीव्स मिलेगी। स्लीव्स में भी आपको बहुत ही प्यारा सा ये एम्ब्रॉयडरी वर्क करा हुआ आपको मिल जाएगा। काफी प्यारा वर्क है एंड बहुत ही सुंदर सा ग्लास का वर्क भी है, एम्ब्रॉयडरी वर्क भी है। तो ये स्ट्रेट खादी कॉटन का कुर्ता आएगा। तो अगर आपको खादी कॉटन का कुर्ता पसंद आता है तो जरूर आप इसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो आएगा वो है एक फ्रॉक काइंड ऑफ ड्रेस आप बोल सकते हो या फिर कुर्ती, आप जो चाहे उसको बोल सकते हो। तो ये रेयॉन की फैब्रिक की कुछ इस टाइप की अनारकली पैटर्न में ड्रेस बोलो या कुर्ती बोलो ये आएगी। तो यहाँ पे आपको नेक पे एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा, डोरी का डिटेलिंग मिल जाएगा, एल्बो स्लीव्स मिलेंगे एंड पूरा ये अनारकली पैटर्न का ये रहेगा। बहुत ही सुंदर सा कुर्ता है, आप इसको ट्राउजर के साथ भी पहन सकते हो एंड बिना ट्राउजर के एज ए ड्रेस भी वेयर कर सकते हो। बहुत ही प्यारी सी कुर्ती है ये और क्वालिटी बहुत अच्छी है, रेयॉन के मटेरियल की है। साइज ओनली अवेलेबल एक्सेल है। नेक्स्ट जो कुर्ती मैं दिखाने वाली हूँ ये भी बहुत ही स्वास्थ्य ब्रांड से है एंड ये भी एक्सेल साइज में आएगी। कॉटन की कुर्ती है ये। सो यहाँ पे ये ब्लू कलर की कुर्ती आएगी कुछ इस टाइप की। 3/4 यहाँ पे आपको स्लीव्स मिल जाएगा, फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको फ्लोरल प्रिंट मिलता है। तो काफी अच्छी कुर्ती है, स्वास्थ्य ब्रांड की ये। नेक्स्ट जो कुर्ती है ये राजनंदनी ब्रांड से है। तो ये भी बहुत ही अच्छी कुर्ती है कॉटन की और काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है। यहाँ पे आपको नेक पे हल्का गोटा वर्क मिलेगा, बाकी 3/4 यहाँ पे आपको स्लीव्स मिल जाएगी। फ्रंट एंड बैक साइड बंदेज का आपको प्रिंट मिलता है। क्वालिटी बहुत ही सही रहती है इसकी। तो ये जो कुर्ती है ये हल्की बहुत ट्रांसपेरेंट हो सकती है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, हल्की ट्रांसपेरेंट हो सकती है क्योंकि ये लाइट कलर में है तो इसीलिए। नेक्स्ट जो कुर्ती मैं दिखाने वाली हूँ ये है एक वायलेट कलर की कुर्ती जो कि पूरे बांधनी के प्रिंट में आपको मिलेगी। बहुत ही सुंदर सी कुर्ती है। तो यहाँ पे आपको 3/4 स्लीव्स मिल जाएगी और पूरा अनारकली पैटर्न का ये कुर्ता मिल जाता है। लॉन्ग कुर्ता है तो अगर आपकी हाइट लॉन्ग है तो ही आप इसको ग्रैब करना, अदरवाइज स्किप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो है ये पिंक कलर का कुर्ता। ओके, जिस किसी ने भी ये वाला कलेक्शन मेरा देख रखा है उनको पता है ये कुर्ता कैसा आता है। अगर आप न्यू हो तो मैं आपको जब भी आप मुझे पूछोगे इसके बारे में तो मैं पिक्चर शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे ये वाला कुर्ता आएगा एक्सएल साइज में। देन एक्सएल साइज में मैंने रखा है और एक कुर्ता सेट जो कि पूरा एकदम कुर्ता सेट आएगा प्यारा सा। तो यहाँ पे ये कुर्ता एंड ट्राउजर का सेट रहेगा, बहुत ही सुंदर सा रहेगा ये कुर्ता एंड ट्राउजर का सेट रहेगा। इसमें आपको मिलेगी ये ब्यूटीफुल सी कुर्ती जिसमें आप देख सकते हो सीक्वेंस का आपको वर्क मिलेगा। 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिल जाएगा। बैक साइड पूरा ये प्लेन रहेगा और ये अवेलेबल है एक्सएल एंड डबल एक्सएल साइज में। तो अगर आपकी साइज डबल एक्सएल है तब भी आपको ये वाला आउटफिट मिल सकता है।
और इसके साथ में जो आपको पैंट मिलेगा, इसका ट्राउजर वो मिलेगा आपको कुछ इस टाइप का गोल्डन कलर में। तो ये बहुत ही प्यारा सा ट्राउजर आएगा कुछ इस टाइप का, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है एंड पहनने पर भी काफी सही रहता है, इलास्टिक वगैरह काफी सही दिया गया है। तो ये इसका ट्राउजर आएगा। ये वाला जो आउटफिट है ये ओनली एक्सएल एंड डबल एक्सएल साइज में ही अवेलेबल है, तो ट्रिपल एक्सएल या फिर एल या एम साइज नहीं अवेलेबल है। मैं आपको क्लियरली मतलब इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आप मुझसे पूछोगे कि ये साइज है वो साइज है, इस चक्कर में जो आपको चाहिए होता है वो भी सेल हो जाता है। नेक्स्ट जो अवेलेबल है साइजेस वो है 44 यानी कि डबल एक्सएल। तो डबल एक्सएल में जो कुर्तीज अवेलेबल है वो है, सबसे पहले तो ये वाली कुर्ती अवेलेबल है मरून कलर में। तो ये डबल एक्सएल की कुर्ती है, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का गोटा वर्क रहेगा और बहुत ही सुंदर कुर्ती है ये भी। तो अगर आप त्योहार के लिए फेस्टिवल के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो ये डबल एक्सएल में आएगी, देन ग्रीन कलर की ये वाली कुर्ती आएगी डबल एक्सएल में। तो ये जो है बहुत ही प्यारी कुर्ती है, धो पहनो, इसका फैब्रिक काफी अच्छा है, कलर भी बहुत प्यारा है। तो ये है डबल एक्सएल साइज में। नेक्स्ट जो कुर्ती आएगी डबल एक्सएल में वो है ये पिंक कलर की, एंड देन ग्रीन कलर में ये वाली डबल एक्सएल की कुर्ती आएगी जिसमें गोटा वर्क करा हुआ है। तो ये तो रही हमारी डबल एक्सएल की कुर्तीज, एंड अगेन डबल एक्सएल में जो कुर्ता सेट मैंने बताया था वो वाला कुर्ता सेट आपको मिल जाएगा डबल एक्सएल साइज में। तो ये हो गया डबल एक्सएल में। अब हम देखेंगे ट्रिपल एक्सएल में क्या क्या है। तो ट्रिपल एक्सएल में अभी जो है लिमिटेड ही है, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा फर्स्टली ट्रिपल एक्सएल में ये वाला कुर्ता। तो ये ट्रिपल एक्सएल को आराम से आ जाएगा। एंड एक बात मैं बता देना चाहती हूँ, ये वाला जो कुर्ता है ओनली ये वाला कुर्ता, ये थोड़ा सा साइज में छोटा रन करता है। तो अगर आपकी जो नॉर्मल साइज है वो डबल एक्सएल है तो आप जो है ये ट्रिपल एक्सएल ले सकते हो ताकि आपको अच्छी फिटिंग मिल जाए, क्योंकि इसकी जो कटिंग है ना काफी स्लिम फिट में करी गई है, तो इस वजह से ये जो है थोड़ा एक साइज छोटा रन करता है ओनली ये वाला कुर्ता। बाकी सारे कुर्ताज में आपको पूरी बरोबर फिटिंग मिल जाएगी, उसका कोई इशू नहीं होगा। बस ये वाले कुर्ते में आपको जो है अपनी साइज से एक साइज बड़ा पिक करना है, बाकी सारी की सारी साइजेस वही लेना जो आपकी साइज हो। नेक्स्ट जो कुर्ती है ट्रिपल एक्सएल में सॉरी वो है ये मरून कलर की कुर्ती। तो ये भी गोटा वर्क की कुर्ती है, ये ट्रिपल एक्सएल में आएगी। देन ये बांधने की कुर्ती आएगी ट्रिपल एक्सएल में, और इन द लास्ट ट्रिपल एक्सएल में आएगी ये वाली कुर्ती। तो ये भी बहुत ही सुंदर सी कुर्ती है ट्रिपल एक्सएल में। तो ये सारी कुर्तीज तो आपको मिल जाएगी ट्रिपल एक्सएल में। अब हम बात करने वाले हैं दुपट्टास की। तो दुपट्टास जो है आप सिंगल दुपट्टास नहीं ले सकते, या तो आपको कुर्ती के साथ दुपट्टा लेना है या तो फिर आपको दो दुपट्टा पिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है काफी सारे दुपट्टा, एंड आने वाले टाइम पे मैं बहुत सारे और भी दुपट्टास लाने वाली हूँ। तो ये जो हमारा फर्स्ट दुपट्टा है ये है लाइक्रा फैब्रिक का ग्रीन कलर का ये दुपट्टा। तो ये कुछ इस टाइप का रहेगा, एंड इसमें आपको जो बॉर्डर मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा आपको ये ब्लैक कलर का कुछ इस टाइप का लेस का काम मिलता है, और लाइक्रा फैब्रिक का दुपट्टा है 2 मीटर के लेंथ का। तो फर्स्ट दुपट्टा ये है। सेकंड जो दुपट्टा आएगा वो ये पिंक कलर में आएगा, पूरा गोटा वर्क का दुपट्टा है ये, बहुत ही खूबसूरत सा। इसमें आपको चारों तरफ गोटा वर्क मिलेगा, बूटे बनाए मिल जाएंगे। तो ये वाला दुपट्टा सेकंड है। देन जो थर्ड दुपट्टा है ये है हमारा व्हाइट कलर का दुपट्टा, जिसमें आपको पूरे में एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलता है, एंड आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का डिटेलिंग आपको मिलेगा, पूरे में गोल्डन एंड व्हाइट थ्रेड का आपको वर्क मिलता है। बहुत ही सुंदर सा ये दुपट्टा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। तो ये वाला दुपट्टा है हमारा थर्ड दुपट्टा। देन जो हमारा फोर्थ दुपट्टा है वो है ये पटोला सिल्क में दुपट्टा, बहुत ही जबरदस्त दुपट्टा है ये। तो ये पूरा दुपट्टा इसी टाइप का आएगा, बॉर्डर जो रहेगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा, बट बहुत ही प्यारा दुपट्टा। अगर आपको इस टाइप के दुपट्टास लेने हो तो जरूर ग्रैब कर लीजिएगा, क्योंकि फिर एक बार निकल गए तो फिर निकल गए। देन जो हमारा दुपट्टा है वो है ये गोल्डन कलर का नेट का दुपट्टा, पूरे में सीक्वेंस आपको मिल जाएगा और बहुत ही सुंदर दुपट्टा है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, गोल्डन लेस वगैरह लगी हुई है। और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, दुपट्टास आप सिंगल नहीं पिक कर सकते, आपको दो दुपट्टा या फिर कुर्ती के साथ दुपट्टा लेना पड़ेगा। देन जो हमारा दुपट्टा है वो है ये वाला ब्लू कलर में सिल्क का दुपट्टा आएगा, बहुत ही प्यारा सा वर्क काफी अच्छा करा गया है इसमें। देन जो दुपट्टा मैं दिखाने वाली हूँ वो है ये ऑर्गेंजा का दुपट्टा। तो ऑर्गेंजा दुपट्टा अगर आप लेना चाहते हो ना तो ये वाला दुपट्टा आप ले सकते हो, इसमें कुछ इस टाइप का प्रिंट आएगा। एंड ऑर्गेंजा के मेरे पास और भी दुपट्टा आने वाले हैं, तो ये वाला दुपट्टा है। देन ये वाला दुपट्टा है, ये भी ऑर्गेंजा फैब्रिक में है और ये भी बहुत ही प्रिटी दुपट्टा है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेन्जा फैब्रिक का दुपट्टा आएगा। तो यहाँ पे फिनिश होते हैं हमारे सारे दुपट्टा। अब मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ स्कर्ट जो कि मैंने लिए हैं, और ये सारे जो स्कर्ट्स आप करवा चौथ के लिए किसी भी अच्छे फेस्टिवल के लिए, दिवाली, करवा चौथ या फिर गणेश चतुर्थी, किसी भी अच्छे फेस्टिवल के लिए आप ग्रैब कर सकते हो, बहुत ही प्यारे प्यारे स्कर्ट्स है ये।
तो यहाँ पे और इनका जो घेरा है उसका कोई इशू नहीं होगा, चाहे आप ट्रिपल एक्सल तक की क्यों ना आपकी साइज हो, आप इन स्कर्ट्स को आराम से पहन सकते हो। सेकेंडली आप कुर्ते के साथ में भी इन स्कर्ट्स को पहन सकते हो, प्लस क्रॉप टॉप के साथ में भी पहन सकते हो। और अगर आपको पूरा सेट चाहिए तो मेरे पास सेट भी अवेलेबल है, प्राइजेस आर वेरी वेरी रिजनेबल। जो सेट आएंगे वो 800 रुपीज के आएंगे, जो स्कर्ट आएंगे वो 600 रुपीज के आएंगे। और ये वाली जो स्कर्ट्स है आपको जयपुर के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये जो स्कर्ट आएगा, सबसे पहला जो स्कर्ट मैं दिखा रही हूँ ये कुछ इस टाइप का या आएगा येलो कलर में, और इसमें आप देख सकते हो गोटा का काम रहेगा नीचे पूरा जो है, बहुत ही सुंदर सा गोटा का काम रहेगा, अंदर लाइनिंग वगैरह लगा हुआ है। और इसमें आप देखोगे कुछ इस टाइप का प्रिंट रहेगा, बहुत ही सुंदर सा स्कर्ट है ये, और स्कर्ट पूरा बना हुआ आएगा, ऐसा नहीं कि आपको कुछ करवाना है, पूरा ये बना हुआ आता है, बहुत ही सुंदर लगता है पहनने में। एंड घेरा काफी अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ तो आप देख सकते हो घेरा आपको काफी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट स्कर्ट येलो कलर में। देन जो हमारा सेकंड स्कर्ट है वो है ये रेड कलर का बांधनी का स्कर्ट, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत स्कर्ट है। इसमें आप देखोगे आपको पूरा ये जो है गोटा का वर्क मिलेगा एंड पूरा बंधेज का प्रिंट मिलता है, बहुत ही सुंदर रेड कलर में ये स्कर्ट है। देन जो हमारा थर्ड स्कर्ट है वो है ग्रीन कलर में, और बहुत ही वाइब्रेंट सा ग्रीन है ये, तो आप ये देख सकते हो बहुत ही ज्यादा सुंदर सा ये ग्रीन कलर का स्कर्ट आएगा। तो अगर आपको इस टाइप के स्कर्ट्स लेने हो तो आप ले सकते हो, बहुत ही प्यारे स्कर्ट्स हैं। इनका घेरा का आपको कोई इशू नहीं होगा, घेर बहुत अच्छे मिल जाते हैं आपको, आप देख सकते हो काफी अच्छा खासा घेर इसके अंदर में दिया गया है। तो ये वाला हमारा थर्ड स्कर्ट था। एंड जो हमारा फोर्थ स्कर्ट है वो है पिंक कलर में, ब्राइट पिंक कलर में। तो फेस्टिवल का टाइम है तो ब्राइट कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला पिंक कलर का स्कर्ट जो कि काफी वाइब्रेंट कलर है एंड बहुत ही खूबसूरत है। अगेन इसमें घेरा आपको काफी अच्छा मिल जाता है एंड ये पिंक कलर का आएगा कुछ इस टाइप का, बहुत ही ज्यादा सुंदर सा ये स्कर्ट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो मैं दिखाने वाली हूँ वो है स्कर्ट सेट। तो यहाँ पे मैं अभी ओनली लिमिटेड ही दिखा रही हूँ, थ्री ऑफ सेट दिखा रही हूँ अलग अलग कलर के। तो सबसे पहला जो सेट मैं दिखाने वाली हूँ ये ऑरेंज कलर में। तो ये वाला जो सेट आएगा ये 800 रुपीज में आपको मिल जाएगा, कोई शिपिंग चार्जेस वगैरह नहीं देने हैं, जस्ट 800 रुपीज आपने पे करना है। तो यहाँ पे पूरा बांधनी का स्कर्ट आएगा, और इसमें आप देखोगे अगर तो इसका घेरा काफी अच्छा खासा दिया गया है, तो आप देखोगे पूरा गोटा का काम करा हुआ है, बहुत ही सुंदर सा ये स्कर्ट आएगा जिसमें पूरा बंधेज का आपको प्रिंट मिलेगा। स्कर्ट पूरा रेडी टू वेयर रहता है। इसके साथ में आपको मिलता है 2 से 2.5 मीटर की लेंथ का ये दुपट्टा, जिसको आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो, मतलब इसको आप साड़ी का पल्लू के जैसा लेना चाहते हो तो वैसे भी ले सकते हो, जैसे चाहे आप उसको कैरी कर सकते हो। तो ये तो रहा दुपट्टा। एंड इसके साथ में आपको मिलेगा इसका ब्लाउज जो कि रहेगा फुल अच्छा खासा लेंथ दिया हुआ रहेगा, तो अगर आप हैवी से हैवी वेट के हो तब भी मतलब आपका ब्लाउज आराम से स्टिच हो जाएगा। तो यहाँ पे गोटा का बॉर्डर है एंड ये पूरा अच्छा खासा ब्लाउज का फैब्रिक आपको मिल जाता है, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। तो फर्स्ट तो हमारा ये स्कर्ट सेट है। देन सेकेंड जो स्कर्ट सेट है वो व्हाइट कलर में आएगा। इसमें आप देखोगे आपको ये सुंदर सा प्रिंट मिलता है, गोटा का वर्क मिल जाएगा कुछ इस टाइप का। अगर आपको व्हाइट कलर पसंद, इसके साथ में आपको मिलता है वो इसका दुपट्टा एंड इसका ब्लाउज का फैब्रिक आपको मिल जाएगा। और जो थर्ड कलर में दिखाने वाली हूँ ये थोड़ा सा येल्लो कलर में आएगा कुछ इस टाइप का। इसका जो प्रिंट रहेगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, तो इसमें आप देख सकते हो फॉल प्रिंट रहेगा कुछ इस टाइप का, गोटा का वर्क आपको मिलेगा। तो ये कुछ इसके मैचिंग का दुपट्टा आपको मिल जाएगा, देन इसके साथ में आपको मिलता है ब्लाउज का फैब्रिक। तो ये तीन थे लहंगा सेट, तो ये पूरे सेट आपको मिलेंगे। तो अगर आप सेट लेना चाहते हो तो सेट भी ले सकते हो, इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है बट आज मैंने लिमिटेड दिखाया है। नेक्स्ट टाइम जब मैं हॉल करूंगी तो मैं इसके अंदर मैं और भी कलेक्शन आपके साथ में शेयर करूंगी। नेक्स्ट जो एट लास्ट मैं दिखाने वाली हूँ अब है हमारे हैंडबैग्स एंड स्लिंग बैग्स की बारी है। तो ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में रखे हुए हैं बिकॉज ये मीशो से परचेज करे हुए हैं, तो आपको मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहला जो ये बैग है वो है ये स्लिंग बैग। तो यस, यहाँ पे ये इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट जो हमारा बैग है वो है ये ग्रीन कलर का स्लिंग बैग। तो बैक साइड में चेन मिल जाएगी, फ्रंट साइड से कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ से जैसे ही आप ओपन करोगे आपको यहाँ पे दो कंपार्टमेंट मिल जाएंगे। तो ये तो रहा फर्स्ट हमारा स्लिंग बैग। देन जो सेकंड बैग है वो एक हैंड बैग आएगा कुछ इस टाइप का, ग्रे कलर का, और बड़ा ही प्यारा सा हैंड बैग है। ओके, एक और बात मैं बता दूँ, ये जो सारे बैग्स हैं ये मीशो के हैं एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के हैं, तो इनसे आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। एक मतलब ओके ओके काइंड ऑफ जो चीज़ होती है ना वो वाली चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा क्योंकि फिर बाद में लोग मुझे बोलते हैं कि यार ये ऐसी नहीं आई वैसी नहीं। तो आप खुद सोचो ना, 150 या फिर 200 या फिर
₹300 तक में कैसा हैंडबैग आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का रहेगा ये, और ये ओके ओके काइंड ऑफ क्वालिटी है, मतलब बहुत ज्यादा खराब नहीं है और बहुत ही अच्छा भी नहीं है, ओके ओके काम चलाऊ टाइप क्वालिटी है। यहाँ पे आपको फर्स्ट कंपार्टमेंट मिल जाएगा कुछ इस टाइप का एंड सेकंड कंपार्टमेंट मिल जाएगा कुछ इस टाइप का। फर्स्ट कंपार्टमेंट में आपको यहाँ पे चेन मिलती है छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी चेन है। तो ये कुछ इस टाइप का एक बड़ा सा हैंडबैग आ जाएगा फर्स्ट वाला। सेकेंड जो बैग है वो ये बैकपैक रहेगा कुछ इस टाइप का, अगर आपको बैकपैक लेना है तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फर्स्टली यहाँ पे एक चेन मिल जाती है, यहाँ पे वाटर बॉटल के लिए जगह मिल जाएगी एंड यहाँ पे ये चेन मिल जाती है एंड बैक साइड में आप देख सकते हो ये स्ट्रैप दिए गए हैं। तो ये काफी प्यारा है, मतलब बैकपैक है और सेम ऐसा ही ब्लू कलर का भी है। तो दो ये बैकपैक है एंड जो हमारा लास्ट हैंडबैग है वो है ये वाला। तो ये एक प्रिंटेड हैंडबैग आएगा कुछ इस टाइप का, यहाँ पे आपको चेन मिल जाएगी, यहाँ पे आपको चेन मिल जाएगी और अंदर पूरा ये खाली रहेगा, जैसे कि टोट बैग होता है ना, बिल्कुल उस टाइप का है ये। तो बस जैसे कि सामान भर लो इसके अंदर में, उस टाइप का ये बैग रहेगा। तो अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में ओके ओके काइंड ऑफ क्वालिटी चाहिए तो आप ले सकते हो इनमें से कोई भी हैंडबैग्स। तो दोस्तों ये था मेरा आज का रीसेलिंग का फर्स्ट हॉल वीडियो काफी दिन के बाद में। तो अगर आपको वीडियो आज का वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।